आज के वीडियो में हम देखेंगे टू व्हीलर फोर व्हीलर घर पर धोने का जुगाड़। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टेक्नीशियन ज्ञानेश्वर। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेके आ गया हूँ, जैसे दुकान पे टू व्हीलर या फोर व्हीलर धुलाई जाती है, उसकी सर्विसिंग की जाती है, बस उसी तरह घर पे अंदर हम जुगाड़ बनाएंगे। एक किसान का स्प्रे पंप होता है, इसके अंदर ये मोटर पाई जाती है। ये आपको अमेजोन पे या ऑफलाइन कहीं पर भी मार्केट में मिल जाती है। ये बहुत ही सस्ती होती है, 600-700 रुपये के अंदर मिल जाती है। तो इसके साथ भी उसके सामान पूरा आता है। ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा जुगाड़ बना लिया है यहाँ पर। और ये जो टू व्हीलर का जो हवा मारने का पाइप होता है वो मैंने ले लिया है यहाँ पे। ये रेवल पाइप है, ये 25 फीट ले लिया है मैंने यहाँ पे। ये देखिए, ये हार्डवेयर की दुकान पे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है, 2 रुपये फीट के हिसाब से। आप चाहिए तो इसके ऊपर 100 फीट का भी लगा सकते हैं। और ले लिया मैंने 1 इंच का एंड कैप और एक नट बोल्ट ले लिए हैं। इसके अंदर छेद है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कहाँ से लिया और कैसे लिया। तो ये देखिए, ये जो नट बोल्ट है ये आपको आगे पता चल जाएगा कि इसके अंदर छेद कैसे और ये कहाँ से मैंने परचेस किया, वो फ्री में परचेस किया मैंने। तो बने रहिए वीडियो के साथ। और क्या ले लिया है मैंने यहाँ पे, ये देखिए एक एंड कैप ले लिया, उसको बीच में छेद कर दिया है। और ये पाइप ले लिया है इसको इसके अंदर बिठाने के लिए, वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। ये देखिए, 1/2 इंच का मैंने पाइप ले लिया थोड़ा सा काट के। और ये देखिए यहाँ पे इसकी हम छोटी सी एक घन बनाएंगे तिरछा काट के। ये देखिए कुछ इस तरह से रहेगा। और ये एंड कैप यहाँ पे लगाएंगे हम, ठीक है। तो चलिए, ये मैंने नट बोल्ट जो है कहाँ से परचेस किया है दिखाता हूँ। ये जो टू व्हीलर की अपनी पाइप होती है उसका जो क्लच केबल होता है वायर, जो क्लच केबल वहाँ से मैंने निकाल लिया है। ये देखिए एक ऊपर का है ये, और ये देखिए यहाँ से होता है, मैंने यहाँ से काट दिया है इसको। ये जो नट बोल्ट मैंने लिया है, एक्सीलेटर का भी होता है और क्लच का भी होता है। तो ये फिलहाल मैंने क्लच केबल से निकाल लिया है ये। इसके अंदर छोटा सा एक छेद होता है। तो ये पाइप मैंने यहाँ से काट दिया है तिरछा। अब हम इसकी घन बनाएंगे। यहाँ पर मैंने वीडियो फास्ट कर दिया ताकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती थी और आपका समय वेस्ट हो जाता था। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर छोटी सी घन बना ली है, ये आप अपने घर पे आसानी से बना सकते हो खुद। तो चलिए, अब हम इसके अंदर ये पाइप डालेंगे और उसको एक छोटी सी घन बनाएंगे, जैसे टू व्हीलर की दुकान पे जहाँ पे सब सर्विसिंग की जाती है गाड़ी, बस वैसी घन बनाएंगे। तो चलिए इसके अंदर लगा लेते हैं फटाक से। ये सामान आपको दुकान में हार्डवेयर के अंदर बहुत आसानी से ईजी मिल जाएगा। और ये 500-700 रुपये के अंदर घर पर बहुत आसानी से बन जाए के तैयार हो जाएगा। ये देखिए पूरा सेटअप तैयार हो गया, ये घन भी हो गई। यहाँ पे एक मैंने स्विच भी लगा लिया है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, इसके ऊपर हम चलाएंगे। और इस बकेट को मैंने एक नल की टोटी लगा ली है और ये पाइप यहाँ पे इसके लगाऊँगा मैं। चाहे तो आप इसके ऊपर सीधे बाटले के अंदर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरा सेटअप तैयार कर दिया है, ये देखिए। तो चलाएँ, एरिया में टू व्हीलर बाइक बहुत ही गंदी हो चुकी है, ये देखिए। तो हम इसको भी धुलाएंगे, जैसे दुकान पे धुलाई जाती है बस वैसी तरह हम धुलाएंगे। तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं हम ऑन। ये रहा 12 वोल्ट की बैटरी और ये आप इसके बकेट के अंदर मैंने पानी डाल दिया है। तो कर देते हैं उसको चालू, ये देखिए। जैसे ही चालू कर दिया तो उसका कुछ ज़्यादा इसका असर नहीं, मगर ये 40 फीट तक पानी इसका आराम से चला जा रहा था। और आप चाहे तो इस नट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू व्हीलर धोने के लिए या फोर व्हीलर धोने के लिए, या घर के अंदर आपके कोई गाय भैंस है उसको भी धुलाने के लिए हमें इसका उपयोग हम कर सकते हैं। इसका प्रेशर ज़्यादा इसको आपको अच्छा नहीं दिखाई दे रहा होगा, जैसे हमने पहले बताया था वैसा नहीं दिखाई दे रहा। तो चलिए अब हम इसके थोड़ा और जुड़ा कर लेते हैं इसके अंदर। ये देखिए, इसको छेद जो है इसका बहुत बड़ा है करके इसका प्रेशर इसका ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैंने एक जुगाड़ बना लिया है। ये जो पेन होती है अपन की, उसको छेद बहुत ही छोटा होता है। चलिए दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, इसका छेद बहुत ही छोटा सा होता है,
इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा आएगा आप उनको, तो आप ये फ्री में लगा सकते हैं। इस बोर्ड को अगर लगाना चाहिए तो लगा लो, नहीं तो लगाने नहीं, आपकी मर्जी। तो इससे भी काफ़ी बहुत अच्छा प्रेशर आ रहा था। तो चलिए दिखाता दोनों का भी मुँह, ये देखिए इसके 3 गुना बड़ा है और इसका छेद बहुत ही छोटा है पेन का। तो ये फ्री में मिल जाती पेन, तो इसके अंदर मैंने और भी बता लिया है, उसको लगा लिया है। ये देखिए सिंपल सा जुगाड़ है, ये आप अपने घर पर खुद ट्राई कर सकते हो। तो चलिए अब इसके हम ट्राई देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे लगा लिया मैंने, उसको लगा के देखते हैं कि इसका प्रेशर कितना आता है या पहले जैसा होता है या कितना। इसका प्रेशर बहुत ही हाई होगा और ये पाइप भी एक बार उसने बीच में फाड़ दिया था, तो इसको भी थोड़ा, 2 मोटर चला रहे थे हम इसके ऊपर, तो एक ही मोटर चलाएंगे अब इसी बारे में। इस बार हम एक ही मोटर चलाएंगे और देखेंगे इसका प्रेशर कितना आता है कितना है। तो यहाँ पे मैंने बकेट रख दी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नल का कनेक्शन है, तो पानी यहाँ पे लगा लिया। और चलिए मैंने यहाँ पे कर दिया चालू, तो ये देखिए यहाँ पे वीडियो मैंने फास्ट कर लिया था और यहाँ पे पाइप फट गया था हमारा। तो फिर से एक बार और ट्राई करते हैं। तो ये देखिए एक बकेट के अंदर ही पानी आपका बहुत ही काफ़ी हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं उसको ऑन और कर देते हैं उसको चालू। ये देखिए अब इसका प्रेशर देखेंगे, ये देखिए बहुत ही गजब का प्रेशर निकल सामने आ चुका है। ये देखिए बहुत ही यहाँ से 40 फीट तक आराम से चला जाता है पानी, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कितने दूर तक चला जाता है। ये देखिए अब इसका प्रेशर, इसकी आवाज़ भी आप बहुत सुन रहे होगी। ये देखिए बहुत ही शानदार प्रेशर है उसका। अब अपने घर पर खुद भी बना सकते हो, अब नई सर्विसिंग सेंटर पर लेके आपकी गाड़ी को बुलाने की ज़रूरत है नहीं कुछ भी। अब देख के ही वीडियो उसको खुद ही बना सकते हो घर के अंदर। ये देखिए बहुत ही प्रेशर है इसका, ये देखिए आवाज़ उसकी सुन रहे होगी। तो देखते रहिए ऐसा ही मेरी वीडियो। चलिए इसका प्रेशर हम देखते हैं उंगली से छू कर। ये देखिए उंगली यहाँ पर तैरने नहीं देता, बहुत ही उसका गजब का प्रेशर है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि बाहर कहाँ तक जाता है और कितनी दूर तक जाता है। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए क्या गजब का प्रेशर है, बहुत ही हाई प्रेशर बन चुका है। अब तो मैं गाड़ी कभी भी सर्विसिंग सेंटर पर नहीं लेके जाऊँगा, तो घर के अंदर ही धुलाऊँगा इसका। बहुत ही आराम से एक जुगाड़ बनाऊँगा कायम, बहुत ही अच्छा है ये, परमानेंट उसका जुगाड़ बनाऊंगा। तो चलिए बाहर देखते हैं हम कि कहाँ तक जाता है। देखिए यहाँ से करीब करीब ये 30 फीट का रोड है और ये देखिए 40 फीट तक आराम से चला जा रहा है। यहाँ पे टू व्हीलर आ चुकी है, देखिए ये देखिए लड़का बैठ चुका है यहाँ पे। तो देखिए कहाँ तक पानी जा रहा है, देखिए इससे भी ज़्यादा जा रहा है। इसका एक अगला मैं वीडियो लेके आऊँगा कि कहाँ तक ऊपर चला जाता है, कैसे नहीं। इसके टंकी भी भरेंगे हम, वो भी फ्री में बिना बिजली के सोलर के ऊपर ही हम उसको ट्राई करेंगे। तो देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहें। Thank you.